तो जय माता दी दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों सिक्योरिटी तो ये रेट है, नारे की जय। क्या बता रहा था, गई जय माता दी दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है फिर से एक बार मेरे ब्लॉग में। और अभी हम खड़े हैं फ्रिस्किंग पॉइंट के सामने और यहाँ से हम जाएंगे और करते हैं इस ब्लॉग की बहुत जय माता दी। तो यहाँ से होती है शुरुआत, सामने है फ्रिस्किंग पॉइंट। फ्रिस्किंग पॉइंट पे अभी है काफ़ी भारी लाइन है, ज़्यादा नहीं है। दोस्तों सिक्योरिटी चेक कंप्लीट हो गया और फाइनली हम लोग अंदर आ गए। अब यहाँ से होती है असली ब्लॉग की शुरुआत जय माता जी के साथ में। जय माता जी। तो एंट्री ले, सबसे पहले जो आपको चीज़ मिलेगी वो है ये पानी पीने का स्थल, जहाँ से आप पानी पी सकते हैं। शेर नुमा मुँह से, शेर के मुँह से पानी पीने का अगली फार है। जय माता जी। पिट्ठू पालकी और इन सब का जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ होता है। इनफैक्ट आप घोड़ों का रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर आपको लेके जाना पड़ेगा पिट्ठू वाले के पास और वहाँ पे पिट्ठू वाला आपको या घोड़े पालकी जो भी है वहाँ से आपको बिठा के वो लेके चलता है। पिछली बार मैं भी जब आया था तो मैंने यहाँ से 3 घोड़े लिए थे अपने लिए, अपने पापा के लिए, और मेरी मदर इन लॉ थी और मेरा मामा जी थे, बिकॉज उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो उनके लिए वो घोड़े लिए थे। हमें वो घोड़े 1500 रुपये के हिसाब से पड़े थे और उन्होंने काफ़ी जल्दी, मतलब हमें शायद पहुंचने में 6 घंटे लगे थे क्योंकि फैमिली मेम्बर्स ऑब्वियसली ज़्यादा थे, लेकिन वो शायद 2.5 घंटे के आसपास ही ऊपर जाके पहुँच गए। अभी चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि किसका क्या रेट है। तो ये रेट है घोड़े खच्चर पालकी कहाँ से कहाँ तक के लिए, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। इसकी मैं फ़ोटो खींच कर डाल भी दूंगा ताकि आप आराम से देख पाएँ। अब हम फ्रिस्किंग पॉइंट से लगभग 500-700 मीटर आगे आ चुके हैं और यहाँ से अब जो आपको दिख रहा है वो है माता बाणगंगा का मंदिर। यही है माता बाणगंगा का मंदिर और सामने है शिरडी के साई धाम। और यहाँ तुलसी भोजनालय से नीचे उतर के रास्ता जाता है, जहाँ से आप नीचे बाणगंगा में उतर के और जाके दर्शन कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं और यहाँ से आप अपनी यात्रा आगे पूरी करने के लिए जा सकते हैं। देखो तो नीचे आने के ना दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये यहाँ से सीधा है और दूसरा ऑप्शन जो है वो यहाँ से है, जहाँ से आप ऊपर जाएंगे तो सीधा आप मंदिर में ही जाएंगे। ये लिखा ना वे टू भवन, मात्र 20 सीढ़ियाँ हैं जो आपको चढ़नी पड़ेंगी यहाँ से और आप सीधा माँ के मंदिर में बाणगंगा माँ। और यहाँ पे मुंडन की सेवाएं उपलब्ध हैं। और यहाँ से आपकी है माँ बाणगंगा। जय माता। जय माता। ऊपर जाने के बेसिकली दो रास्ते हैं, एक नया रास्ता एक पुराना रास्ता। जो पुराना रास्ता है वो आपका बाणगंगा से शुरू होता है और जो नया रास्ता है वो आपको ताराकोट से शुरू होता है, जिसको ताराकोट मार्ग के नाम से जाना जाता है। दोनों में डिफरेंस एक्चुअली ये है कि
बाणगंगा में आप तो घोड़े, खच्चर, पालकी, इन सब के सब जीव जंतुओं से, इन सब चीज़ों से आपको होके गुजरना पड़ेगा। लेकिन तारागोट मार्ग में ऐसा कुछ नहीं है, एकदम साफ सुथरा रास्ता है। और बेस्ट पार्ट इज कि वहाँ पे आपको बैटरी कार का भी ऑप्शन है, तो आप बैटरी कार भी किया जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्रायरली बुकिंग करके आनी पड़ेगी, ऑनलाइन बुकिंग होती है। ऑफलाइन का तो आप सोचना मतलब छोड़ ही दो कि आपको ऑफलाइन मिलेगी, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने ट्राई किया था और हम लोगों को नहीं मिला वो। तो अगर आपको तारागोट मार्ग से जाना है और आपको लेके जाना है बैटरी कार को, तो प्लीज़ आप उसको एडवांस में बुक करके दें। जय माता दी। अब हम गीता मंदिर के और हैं, आइडली गीता मंदिर की फ़ोटोज़ वीडियोस लेना मना है। पंडित जी ने पिछली बार भी मना कर दिया था, पंडित जी इस बार भी मुझे पीछे घूर के देख रहे हैं पंडित जी। लेकिन आप चाहे कितने बजे मना करो, वहाँ से नहीं तो मैं यहाँ से तो फ़ोटो ले ही लूँगा। देखो ये सामने है गीता मंदिर, सामने लिखा भी है फ़ोटो खींचना मना है, लेकिन आप यहीं से ही आप दर्शन कर सकते हैं। और गीता मंदिर के बाद ये है गरुड़ मंदिर, सामने से कुछ इस तरीके का नज़ारा गरुड़ मंदिर का। बजरंग बली हनुमान जी की जय। चलो दोस्तों, अभी ना शायद मतलब 100 मीटर पीछे हम लोगों ने गीता मंदिर छोड़ा है, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इस बात को लेकर हूँ कि जो चरण पादुका मंदिर है वो गीता मंदिर से पहले आगे जा चुका है या फिर वो बाद में आने वाला है। ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हो और यहाँ तक पहुँच गए तो एक बार कमेंट करके ये ज़रूर बता दीजिएगा अगर आपको याद है कि चरण पादुका गीता मंदिर से पहले पड़ता है या गीता मंदिर के बाद में है। तो लेट्स सी एंड ट्रीट इट लाइक अ क्विज, जो बंदा सबसे पहले सही जवाब देगा उसको मेरी तरफ से पेटीएम का 100 रुपीज़ का कैशबैक, ठीक है, वो मैं दूंगा आपको। तो चलिए देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करके बताता है। तो ये देखो, अगर चढ़ते चढ़ते थक जाएं, उतरते उतरते ज़्यादा उतर जाएं, तो फुट मसाज करने के लिए आपको यहाँ पे मशीन्स मिल जाएंगी, जो मात्र आपसे 50 रुपये आधे घंटे का चार्ज करता है, आधा घंटा या फिर 10 मिनट, सॉरी माय बैड, 50 रुपये प्रति 10 मिनट के चार्ज करता है। और 10 मिनट की मसाज आएगी, काफ़ी होती है क्या? तो दोस्तों मैं गलत था, ये है चरण पादुका और वो गीता मंदिर के बाद में ही आता है, तो यहाँ से आप चरण पादुका के दर्शन कर सकते हैं। स्टोरी में आपको बता चुका हूँ चरण पादुका की, कि यहाँ पे माता ने रुक के पहली बार पीछे मुड़ के देखा था और उनके बच्चे यहाँ पे थे, आ गए थे शिला पे, और वही शिला यहाँ पे रखी हुई है। तो चरण पादुका के दर्शन हो गए और शायद मैं इससे पहले 4-5 बार आ चुका हूँ, लेकिन आज तक मैंने रुक के कभी चरण पादुका के दर्शन अंदर से नहीं किए थे। आज पहली बार मैंने अंदर जाके दर्शन किए हैं चरण पादुका के, और अब वहाँ से हम आगे बढ़ के चलते हैं अपनी यात्रा की ओर, और यात्रा को पूर्ण करने के लिए अपने एफर्ट डालते हैं और मैया के दर्शन करते हैं। लो जी
जय माता दी। सीढ़ी से चढ़ पाओगी? देखते हैं, ट्राई करेंगे एक बार। देखो भाई, ये सीढ़ियाँ तो यहाँ पे ना बहुत सारी हैं, है ना, लेकिन ये वाली जो सीढ़ी आपको दिख रही है ये वन ऑफ दी लार्जेस्ट सीढ़ियों में से एक है। 360 स्टेप्स है इसके अंदर, और मैडम कह रही है कि सीढ़ी चढ़ लेते हैं। ट्राई कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा डाउट है, पर क्या पता कर ले। तो चलो चलिए, हम भी साथ में चल भी तो रहे हैं। 360 जी। वहाँ से हमने की थी शुरुआत, वहाँ पे हमें जाना है, और मुझे लगता है उसे भी ऊपर जाना होगा। आज का एक और क्विज, क्या तारा ये सीढ़ियाँ चढ़ पाएगी? Yes. अगर हाँ तो फटाफट कमेंट कर दो, और नहीं तो कमेंट करके बेइज्जती कर दो ये चक्कर। चलो हाँ, लो भाई अभी हो गया चैलेंज तारा के लिए भी और आपके लिए भी। कमेंट करो। अच्छा, सीढ़ियों से आते जाते टाइम आपके लिए वॉशरूम भी अवेलेबल है, स्पेशली फॉर लेडीज ओनली, तो औरतों के लिए काफ़ी बेहतर है। और छोटा मर्दों को भी नहीं गया, उनके लिए भी वॉशरूम है यहाँ पे। अच्छा, जब सीढ़ियों से आप चढ़ के आओगे तो काफ़ी सारी चीज़ें जो यहाँ मिस करने वाली है, उनमें से एक चीज़ है बीकानेर वाला उसका आउटलेट, जहाँ पे आप अपने मनपसंद की चीज़ें खा सकते हैं। ऑफ कोर्स बिना लहसुन और बिना प्याज। तो ये है प्रीपेड काउंटर, ठीक है, और यहाँ से जो अगला काउंटर है वो लगभग 1 किलोमीटर आगे है। वहाँ आगे रिफ्रेशमेंट सेंटर है, जहाँ से आप मतलब चाय कॉफ़ी अपने लिए ले सकते हैं। पानी की सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है ना, और लेडीज़ टॉयलेट और जेंट्स टॉयलेट का भी ऑप्शन यहाँ पर है। तारा सामने खड़ी है, तारा भी यूज़ करके आई है, मेरी तस्वीर बस निकाल रखी है उसने, ठीक है। अब मैं आपको रेट से गाता हूँ कि यहाँ से एग्जैक्टली रेट क्या है, ठीक है। तो यहाँ से रेट कुछ इस तरीके से है, ठीक है। हिमकोट की तरफ से अगर भवन आपको जाना है तो पालकी के लिए 100 किलो वजन तक के आपको 1400 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। 100 किलो से अबव का जो वेट है उसके लिए 1750 रुपये। पिट्ठू 25 किलो तक के लिए 200 रुपये, और बड़े लोगों के लिए और 6 साल से ऊपर के बच्चों के लिए नहीं है, ये सब सेवा है, ठीक है। और बाकी आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, इसका भी एक फ़ोटो लेके मैं वीडियो में डाल दूँगा ताकि आप आराम से पोस्ट करके उसको देख पाएँ। तो ये ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वे इंद्रप्रस्थ भोजनालय। अच्छा, तो इंद्रप्रस्थ भोजनालय इज द प्लेस जहाँ पे हमने पिछली बार रुक के हम सब ने खाना खाया था, कड़ी चावल खाए थे। अब अच्छे थे बुरे थे वो तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन भगवान का प्रसाद है तो अच्छा ही होता है। तो पूछता हूँ एक बार तारा से, अगर उसे इस बार फिर से कुछ खाना हो तो यहाँ पे खाया जाए, वरना निकला जाए दुकारी की ओर। तारा यहाँ पे खाना
ओके, तो तारा ने पिछली बार यहाँ की चाय पी थी और कढ़ी चावल भी खाए थे। कढ़ी चावल उनको अच्छे नहीं थे, वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, अच्छे थे बुरे नहीं थे, पर अब बोल देता हूँ अच्छे नहीं थे। चाय अच्छी लगी तो चाय पी लेते हैं। चलिए, तो जो भी आपको लेना है उसके लिए कैश काउंटर यहाँ पर है। इस कैश काउंटर पे आपको पैसे देने होंगे, आपको मिलेंगे। ये देखो, तो भैया चाय हमारी आ गई है, ठीक है, और कुछ वेफर्स भी हमने ले लिए है ना। अब मैं रेट बता देता हूँ, टोटल 31 रुपये में मुझे दो चाय और एक चिप्स का पैकेट पड़ा था, ठीक है, और एक 10 रुपये का पैकेट मुझे ये लगा सही पड़ा है। तो MRP पे है, जो नॉर्मल रेट वहाँ पे मिलते हैं वही है। चाय का टेस्ट पहले ही बता दिया है कि चाय काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। इसके अलावा आपको राजमा चावल, कढ़ी चावल, ऐसा कुछ भी खाना हो तो फ्लैट 50 रुपये में आपको एक प्लेट मिलती है, और इनफ है वो प्लेट आपके लिए। एक प्लेट में एक आदमी पेट भर के खा सकता है। तो यहाँ से आप नीचे आ रहे हैं, ठीक है, अभी जहाँ से हम लोग खा के आए थे, और यहाँ से आने के बाद ये एक कट बनता है, और इस तिराहे से बेसिकली यहाँ से दो रास्ते कटते हैं। एक रास्ता ये गया जो हिमकोटी मार्ग की तरफ गया है, और एक रास्ता ये जाता है जो जाता है हाथी बत्ता की तरफ। डिफरेंस मैंने बता दिया दोनों में क्या है, ठीक है। अर्थ इस साइड से आपको जाओगे तो आपको अर्धकुंवारी मिलेगा, इस साइड से आप जाओगे तो आप शायद अर्धकुंवारी मिले ना मिले, आई डोंट नो। आप पुराना रास्ता ले सकते हैं जो हाथीमत्ता का है, और अगर आपको कम चलना है तो आप हिमकोटी मार्ग की तरफ से जाए। इसमें मार्केट नहीं मिलेगी, और आपको घोड़े और खच्चर वो भी आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको बैटरी कार मिलेगी टेक्निकली, ठीक है, तो वो आप ले सकते हो और उसके थ्रू आप ऊपर पहुँच सकते हो। और जो राइट हैंड साइड वाला रास्ता है, इट इज़ एज यूजल, आपको घोड़े, खच्चर, पालकी, इन सब से होके गुजरना पड़ेगा। तो तारा, हमें किस साइड से जाना चाहिए, क्या कहती हो? पुराने रास्ते। तो दोस्तों हम जा रहे हैं पुराने रास्ते से, क्योंकि पिछली बार हम लोग नए रास्ते से गए थे, और थोड़ा सा सुनसान सा रास्ता है, खुदा ना खास्ता, मतलब बंदा ना बंदे की जात वाली बात हो जाती है, ठीक, ना खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए कुछ है, पानी मिलता है प्रॉपर। तो बेटर है कि हम लोग इस बार पुराना रास्ता ही एक्सप्लोर करें, और देखते हैं कि पुराना रास्ता 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने में हमें क्या बेनिफिट है, ठीक है। चले, ज़ोर से बोलो जय माता दी। तो बेसिकली पुराने रास्ते से जाने का जो लॉस है वो मैं आपको बता चुका हूँ। 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चढ़ना पड़ेगा, प्लस घोड़े, खच्चर, पालकी और जो पिट्टू है, इन सब से रूबरू आपको होते हुए जाना पड़ेगा। पर हमने सोचा है कि इस बार यही वाला रास्ता हम लोग लेंगे। और यहाँ से दर्शन कीजिए खूबसूरत कटरा शहर का। दोस्तों कटरा की शान तो देखते हुए बनती है, और वैसे कटरा के एक्चुअली शान तो हमारी अर्शदात्री देवी मैया रानी है, जिनके समक्ष, जिनके समीप, जिनका दर्शन करने हम लोग जा रहे हैं। चले तारा, चलो। बोल सच्चे दरबार की जय। वाली माता तेरी सदा ही जय। यार क्या है ना, देखो अभी ना, मतलब काफी टाइम से हम लोग चल रहे हैं, हम लोगों ने 6 बजे चढ़ाई शुरू की थी, 9:30 बजे, 3.5 घंटे हुए हैं। लेकिन बहुत दुख की बात है इस बार खासकर कि यार हमने ना किसी को जयकारे लगा के जाते हुए देखा है नहीं, है ना। और सैडली मैंने भी ये रियलाइज़ किया, लेकिन तारा ने पहले रियलाइज़ किया कि ऐसा ऐसा इस बार हो रहा है ना। जितनी बार भी अभी, हाँ, हम लोगों ने हर बार देखा है कि लोग बड़ा हर्षोल्लास के साथ भरे होके और जयकारे लगाते हुए जाते हैं, लेकिन इस बार सब लोग शांत है।
अब आई डोंट नो क्यों शांत है, जाने वाले ज़्यादा थक चुके हैं या आने वाले इसलिए नहीं लगाना चाहते क्योंकि उनके दर्शन हो चुके हैं। पर वैसे भी से एक बात कहना चाहूँगा, चाहे आप जा रहे हो चाहे आप आ रहे हो, आपकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए और जितना ज़ोर से हो सके उतना ज़ोर से आपको जयकारा बोलना चाहिए। तो जयकारा शेरावालिया, बोल सच्चे दरबार की जय। देखा कोई रिस्पांस नहीं है भाई, कोई रिस्पांस नहीं है, नो वन केयर। कोई नहीं, कोई ना करे इससे, ये तो नहीं कहना है कि हम ना करें। चलो भाई इसी के साथ अब ये आ गया चेक पोस्ट और अब चेक पोस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। तो जैसे ही आप चेक पोस्ट से बाहर आओगे यहाँ पे फिर दो रास्ते कटते हैं। नाउ द गुड पार्ट इज़ कि अब यहाँ पे एक बाईपास बना दिया गया जो कि पोनी ट्रैक है, ठीक है। तो ये वाला जो रास्ता है ये रास्ता सिर्फ पोनीज के लिए है, मतलब जो घोड़े कच्चर है वो यहाँ से जाते हैं, ठीक है। और ये वाला जो रास्ता है वो सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए है। तो अब इस रास्ते पे थोड़ी देर के लिए आपको घोड़े खच्चर और पोनी देखने को नहीं मिलेंगे। हमारा राइट तारा, शांति मिलेगी। तारा बहुत देर से शांति ढूंढ रही है। कहाँ है अर्धकुंवारी आ गए? तो ये कुछ खाने के ऑप्शंस हैं यहाँ पे जो आप खा सकते हो। दे हैव पाव भाजी, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़ का भी कुछ ऑप्शन है जो आप खा सकते हो यहाँ पे। ये सारे खाने के ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगे और एक छोटा सा जनरल स्टोर भी जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, है ना। और ये पूजा हलवाई, कोई भी शादी हो या हो सगाई अपने घर बुलाए पूजा हलवाई। और ये अर्धकुंवारी का भोजनालय, मतलब अर्धकुंवारी का रेस्टोरेंट, और यहाँ पे बहुत ही कम दाम पे आपको खाने में मिल जाता है। थोड़ा सा घूम करके दिखाऊंगा तो शायद आपको यहाँ का जो मेन्यू है वो आपको दिख जाएगा। पूरी चना जो है आपको ब्रेकफास्ट में वो मिलेगा 55 रुपये का, सूजी का हलवा डिज़र्ट जो है 50 रुपये, बाकी आपको मिक्स दाल राइस, राजमा राइस और कड़ी राइस सब आपको 50 से 55 रुपये में मिल जाएगा। और चाय वगैरह 8-10 रुपये में आपको चाय कॉफ़ी मिल जाएगी। तो बाकी सारे लोकल ऑप्शंस के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे कुछ ब्रांड्स भी मिल जाएंगे। तो वो वहाँ पे आपको CCD कॉफ़ी कैफे डे मिल जाएगा, ये सामने आपको बीकानेर वाला दिखाई दे रहा। और ये है विश्व प्रसिद्ध मैकडोनल्ड जो आपको यहाँ मिल जाएगा। एंड द ओनली गुड पार्ट इज़ कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सब विदाउट ऑनियन और विदाउट गार्लिक के आपको मिलेगा। तो ब्रांड्स भी यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं इस पॉइंट को लेके कि ऑनियन एंड गार्लिक सर्व नहीं करना है। अब भैया क्योंकि हम तो चाय और चिप्स मार के आए हैं तो हमें तो लग नहीं रही अभी भी, है ना। और अगर तारा को लग रही है तो तारा खुद बता देगी। तारा भूख लग रही है? अभी तो मन है नहीं। तो अब क्योंकि अपना मन है नहीं तो हम देखेंगे थोड़ा सा आगे चल के, अगर कुछ खाने का मन हुआ तो ठीक है, वरना सीधा भवन पे जाके ही खाएंगे, है ना। ठीक है, अब हम भवन पे जाके ही खाएंगे। तो चलते हैं भवन की ओर और तब तक आप भी हमारे साथ बने रहिए इस यात्रा में, वर्चुअल यात्रा का आप लाभ उठाइए और मैया के दर्शन करके अपने आप को, अपना मन और अपने तन और अपने धन सबको आप बचा के रखेंगे। इसी के साथ जय माता दी, मिलते हैं धीरे से होले से आपको कुछ पल बाद। जय माता दी, जय माता दी।
तो दोस्तों ऐसा है कुछ अभी अर्धकुंवारी का नज़ारा। तो जैसा मैंने आपको बताया था लगभग 76 घंटे की वेटिंग है और ये सारे के सारे लोग अपनी अपनी बारी का यहाँ पे कर रहे हैं इंतज़ार, है ना। और ये सामने है भवन अर्धकुंवारी। एज वी सेड पहले कि हम लोग अर्धकुंवारी के दर्शन इस बार नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ से सीधा निकल रहे हैं और सामने से रास्ता है जाने का, तो हम लोग सीधा ऊपर जा रहे हैं। तो आपको मिलते हैं भवन पर। जय माता दी। जय माता दी। अब चले हम भवन माता रानी के दर्शन करने के। माता रानी के दर्शन करने के लिए हम लोग चले भवन में। हाँ अच्छा, अभी ना तारा ने एक छोटा सा पॉइंट रेस किया कि ये जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और ये जितने भी लोग यहाँ पे लेट हुए हैं या इंतज़ार कर रहे हैं, क्या ये ऑनलाइन बुकिंग करा के नहीं आ सकते? इनफैक्ट क्या हमने भी ऑनलाइन बुकिंग नहीं कराई और क्यों नहीं कराई? तो देखो मेरा तो सिंपल सा रीज़न भाई, हमारा तो एकदम सडन प्लान बना था, ठीक है, कल हाँ हमारा तो 2 घंटे का प्लान था। कल मतलब ऑफिस में बैठा हुआ था और ऑफिस में बैठे बैठे मेरा एकदम से प्लान बना, मैंने टिकट्स बुक की और मैंने फ़ोन करके बोला कि कपड़े पैक करो, हम लोग शाम को निकल रहे हैं। सो दैट्स हाउ आई प्लान द ट्रिप, है ना, दर्शन करने के लिए। लेकिन जो लोग मतलब काफ़ी टाइम पहले से प्लान करके बैठे हुए हैं, उनको तो ये सजेशन रहेगा कि काइंडली आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लो, आप अपनी ऑनलाइन दर्शन की पर्ची कटवा लो, वो ऑनलाइन हो जाता है, ठीक है, ताकि आप जब आओ आपको यहाँ पे ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े और आप अच्छे से और समय से आप दर्शन कर पाओ। यदि अगर यहाँ पे आने के बाद भी आपको थोड़ा इंतज़ार भी अगर करना पड़े, तो मीनवाइल उतने टाइम में आप ऊपर जाके आप भवन के दर्शन करके, आप भैरव के दर्शन करके आप वापस आके फिर आप दर्शन कर सकते हैं, am I right? हाँ, तो सजेशन अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना हाँ या ना में, और कितना सही है ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। प्लस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लिंक जहाँ से आपको ऑनलाइन जो आरती है उसके दर्शन के लिए आपको क्या रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, प्लस अर्धकुंवारी के दर्शन के लिए भी आपको वहाँ से रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। थैंक यू। तो थोड़ी देर पहले जहाँ पे हमने आपको दो राय पे खड़ा होकर दिखाया था कि एक रास्ता वहाँ से जाता है हिमकोटी और दूसरा जाता है हाथी मत्था, तो हम आधे मत्था वाले रास्ते से आए। ये जो रास्ता है ये आया है हाथी मत्था से और ये वाला जो रास्ता है ये हिमकोटी से आया है। अब जब आप हिमकोटी से आओगे तो आप बाईपास कर दोगे अर्धकुंवारी को, लेकिन यहाँ से आप घूम के वापस जा सकते हो। अभी हम जा रहे हैं भवन की ओर, चलें। तो भैया जिन लोगों को नहीं पता और बहुत कम लोगों को जिन्हें नहीं पता, लेकिन अर्धकुंवारी के बाद भवन का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 5 किलोमीटर रह जाता है और सबसे जो स्टीप वाली चढ़ाई है मुझे ऐसा लगता है शायद वो यहीं से ही है, और वो इसलिए भी है स्टीप ना भी हो कि अब यहाँ से जो आपको भीड़ है वो टेक्निकली बहुत कम हो जाती है, बहुत कम लोग मिलेंगे आपको, तो इट्स लाइक बहुत दूरी दूरी पे आपको कुछ लोग चलते हुए मिलेंगे, है ना, क्योंकि मैक्सिमम जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं अर्धकुंवारी रुक जाती है, वहीं स्टे करती है एक रात रुक के,
और नेक्स्ट मॉर्निंग वो फिर आगे मूव करते हैं। लेकिन जो कंटिन्यूस चलते रहते हैं उनको ये रास्ता यूजुअली खाली ही मिलता है, है ना। लो आप कंपैरेटिवली देख सकते हो मेरे पीछे ना इतने लोग हैं ना मेरे आगे इतने लोग हैं। पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो अपना तो कर्म तो कर्म करने में है, अब हमें भीड़ मिले ना मिले, हमें तो मैया के दर्शन मिलने वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ जगारा शेरवालिदा बोल साचे दरबार की जय। ये देखिए, तो ये भैया ये है वही बैटरी कार, ठीक है, जो इस वाले रास्ते पे चलती है। और इस बैटरी कार की जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको भाई पहले ही करा के आनी होती है, है ना। तो बाकी किसी और चीज़ की तुम रजिस्ट्रेशन पहले कराओ ना कराओ, मेक श्योर बैटरी कार में अगर ट्रैवल करना तो भैया उसका रजिस्ट्रेशन पहले ही कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आके आपको मिलने के जो आसार हैं वो मान लो है ही नहीं है, ना के बराबर तो बोल नहीं। भैया सूखी धरती करे पुकार, वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, क्योंकि यहाँ से अब 1 किलोमीटर ही है हिमकोटी पार। तो 1 किलोमीटर का डिफरेंस कवर करने के बाद हम लोग आप पहुँचे हैं हिमकोटी, है ना। तो हिमकोटी पे भी आपको मिल जाएगा एक भोजनालय जिसमें आपको मिलेगा सेम मेन्यू, आपको कढ़ी मिलेगी उसके साथ चावल मिलेंगे, आपको दाल मिलेगी उसके साथ चावल मिलेंगे, आपको राजमा मिलेंगे उसके साथ भी आपको चावल ही मिलेंगे, ठीक है, चाय भी मिलेगी आपको। और अब के साथ हिमकोटी में है डोसा पॉइंट, उल्टे में दिख नहीं रहा। हाँ तो भैया अब यहाँ से रह गए हमारे मात्र 2 किलोमीटर, यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर बाद हम सीधा भवन में पहुँच जाएंगे, है ना। तो हर जगह जगह पे यहाँ पर वॉशरूम्स हैं, हाँ बहुत दूर दूर हैं, रिफ्रेशमेंट के लिए आपको भी मतलब थोड़े थोड़े कियोस्क मिल जाएंगे, वो बात अलग है कि काफ़ी दूर दूर पर है, ठीक है। जैसे कि ये देखो एक ही है, एक है नेस्कैफे का है, तो यहाँ से आपको रिफ्रेशमेंट के लिए चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी अभी चल ही रहे हैं हम लोग, रुकने का कोई प्लान है नहीं, तो होपफुली अगली मुलाकात सीधा भवन पे हो। तो ये है पार्वती भवन, और पार्वती भवन में काफ़ी वेटिंग, तो यहाँ पे आपको रूम्स भी अवेलेबल हो जाते हैं और यहाँ पे आपको डॉर्मेट्रीज भी अवेलेबल हो जाते हैं। डॉर्मेट्री का जो प्राइस है वो लगभग 300 रुपये के आसपास का है, यहाँ पे 150 से 300 रुपये, और जो रूम है रूम का कॉस्ट है 1800 रुपये, 1500 रुपये से 1800 रुपये, है ना, डबल बेड रूम होता है जो आपको मिल जाता है, और डॉर्मेट्री आपको मिल जाती है। डॉर्मेट्री में आपको एक बेड मिलेगा बंक बेड, और प्लस आपको कंबल मिलेगा, और शेयर्ड वॉशरूम्स होते हैं यहाँ पे। रूम में आपको पता ही है आपको एक प्राइवेट रूम भी मिलेगा जिसके अंदर के सारी आपकी जो सहूलियत वो आपको मिल जाएगी। वो रूम या डॉर्मेट्री आपको यहाँ आके भी मिल सकता है, प्लस आप ऑनलाइन अगर रजिस्ट्रेशन करके आए तो भी आपको ईजिली यहाँ से मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे पार्वती भवन है, और भी यहाँ पे 3-4 भवन है जहाँ पे आप जाके डॉर्मेट्री ले सकते। चेक पोस्ट से कर लिया हमने पार, अब जा रहे मैया के द्वार। यहाँ से होगी एंट्री हमारी, यहाँ से हम जाएंगे, और ये है नया वाला स्काई वॉक जिसके अंदर से जाके हमें भवन पे एंट्री लेनी है। तो
दोस्तों अगर आप आए हो अकेले या फिर अकेले या फिर कैसे भी और आपको चाहिए लॉकर, तो लॉकर रूम यहाँ पर है, ठीक है, दुर्गा भवन पे, और यहाँ से आपको लॉकर की जो सेवा है वो प्राप्त हो जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। और साथ के साथ दुर्गा भवन से आपको अब तत्काल रोपवे की टिकट भी मिल जाएगी भैरव बाबा तक के जाने के लिए, है ना। तो अभी हम लोग लॉकर लेने नहीं जा रहे, अभी हम लोग जा रहे हैं आगे जहाँ से हम लोग स्नान करके वापस आएंगे और फिर अपने जो भी कपड़े वपड़े उसमें रख के लॉकर की लेके सेवा, फिर हम जाएंगे दर्शन करेंगे, दर्शन करके फिर वापस आएंगे और फिर हम देखते हैं कि भैरव बाबा तक हम लोग चढ़ के जाएंगे या फिर भैरव बाबा तक हम लोग रोपवे की सेवा लेंगे इस बार, तो वो आपको आगे पता चल जाएगा। प्रोविंशियल काउंटर है और इंक्वायरी काउंटर है, आपको किसी भी प्रकार का दान अगर यहाँ करना हो तो आप यहाँ कर सकते हैं, प्लस आपको किसी भी टाइप की इंक्वायरी हो तो वो इंक्वायरी आप यहाँ पे आके कर सकते हो। और अंततः वो नज़ारा जिसका आप सबको इंतज़ार था। जय माता दी। अपने कीमती समान का जीवन का साथ रखें, चोरों से मुद्दों से साथ रहे, किसी अपना भी आपकी प्रदूषण करें और अपना समान लावा जय माता दी। जय माता दी। पिछली बार जब हम लोग आए थे पिछले साल सितंबर में थे एंड में, तो ये वाला जो रोप है ना, या फिर आप इसको स्काई वॉक कहते हो, तो ये स्काई वॉक तब बन रहा था और लोग यहाँ पे कंबल लेके इंद्र आराम करते हुए। यहाँ पे जो कंबल है ये आपको किराए पे मिलते हैं और शायद कुछ 20 रुपए किराया है इस कंबल का, तो ये आप कंबल लेके और कितना 100 रुपये, तो 100 रुपये जमा कराते हैं, 20 रुपये इसका किराया है और ये कंबल आप ले सकते हैं, आप इनको बिछा के ओढ़ के यहाँ पे अपनी रात आप व्यतीत कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारे भवन भी हैं जहाँ पे आपको बेड और रूम की सेवा मिल जाएगी, लेकिन वो अवेलेबिलिटी के ऊपर ही। पुलिस स्टेशन भवन पिछले साल ये बन रहा था, ये यहाँ का स्नानघर बेरिंग घाट, श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी, जय बाबा भैरव। तो दोस्तों अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन काफ़ी अच्छे हैं। हम लोगों ने तकरीबन 5:15 बजे यहाँ पे अपने तुच्छ कदम रख दिए थे और उसके बाद हमें दर्शन करने में मात्र 5 मिनट लगे, ज़्यादा बता गया हमने, और उसके बाद यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ा सा रेस्ट किया एंड अब है तैयारी नीचे उतरने की। तो मिला जुला के ये जो यात्रा रही माँ वैष्णो देवी की और बाबा भैरवनाथ की, काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी सुगम रही और काफ़ी मन को हर्षाने वाली और काफ़ी मन को प्रफुल्लित करने वाली। तो इसी के साथ हम लेते हैं आप लोगों से विदा, मैं गौरव फोगाट कारा के साथ एक बार विदा, आखिरी बार आपसे विदा लेता हूँ। आप आज की अपनी इस जर्नी वैष्णो देवी से, और अब आपको पता है क्या करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पुराने हैं और यहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा वो आप कमेंट कीजिए, और आने वाली जितने भी दूसरी वीडियोज़ है उसके लिए बेल आइकन प्लीज़ प्रेस कर दीजिए। तो इसी के साथ साइन आउट ऑफ।
टू पुअर ट्रैवलर आपके साथ, आपके लिए हमेशा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी, जय बाबा।